प्यारे बच्चों, अब हम रचना चार करने जा रहे हैं आपकी किताब के आधार पर। और ये जो रचना है वो समरूप त्रिभुज की रचना है। अभी तक आपने बराबर कोण बनाए, समानांतर रेखाएं खींची, रेखाओं के टुकड़े किए। अब इन सभी गुणों के आधार पर हम एक समरूप त्रिभुज की रचना करने जा रहे हैं। और यहाँ पर शर्त दी हुई है कि एक त्रिभुज ABC कोई सा भी दिया हुआ है हमें, और हम ABC के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/5 हो। 3/5 आप देखिए, एक से छोटी भिन्न है, यानी जो नया त्रिभुज बनेगा वो पहले वाले त्रिभुज का से छोटा होगा। यानी नए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पहले वाले त्रिभुज की दी हुई भुजाओं के 3/5 के बराबर होंगी। यानी दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 3/5 होगा। यदि हम बाद में बनने वाले त्रिभुज को पहले लेते हैं, तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि बाद में बनने वाले त्रिभुज जिसकी हम रचना करने जा रहे हैं और पहले लिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3/5 है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक ऐसे त्रिभुज ABC की रचना करते हैं जिसके समरूप हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो हम अपने मन से कैसा भी एक त्रिभुज बनाएं, तो चलिए पर यहाँ पर हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। यहाँ हम ले ताकि इस बची हुई जगह पर रचना कर सकें। ये इसकी एक भुजा हम बनाएं। ये एक दूसरी भुजा हमने बना ली और इसकी तीसरी भुजा भी हम बना लेते हैं। मान लें ये वो त्रिभुज है जिसके समरूप त्रिभुज हम बनाना चाहते हैं। तो ये एक त्रिभुज हमने बनाया अपने मन से, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब इनको कोई नाम दे दें। मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये शीर्ष A है, ये शीर्ष B है और ये शीर्ष C है। अब हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसकी भुजाएं इसकी 3/5 हो। यानी अगर हम इस शीर्ष B को उभयनिष्ठ माने तो हमको एक ऐसा त्रिभुज यहाँ पर इस तरह का बनाना होगा जिसमें ये जो भुजा बनेगी वो AC की 3/5 हो, यहाँ पर जो भुजा मिलेगी वो BC की 3/5 हो, और यहाँ जो हमको भुजा मिलेगी वो AB की 3/5 हो। एक ऐसे त्रिभुज की हमको रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके किसी एक भुजा को हम 5 बराबर हिस्सों में बांटेंगे और उसमें से 3 हिस्सा ले लेंगे। तो मान लीजिए वो भुजा BC है जिसको हम 5 बराबर भागों में बांटें और इसके 3 भाग को हम ले लें। किसी भुजा को दिए हुए अनुपात में बांटना आपने सीख लिया है, उस गुण का उपयोग करते हुए हम इस त्रिभुज की एक भुजा BC को 3 और 5 के अनुपात में बांटेंगे। तो यदि हम 5 पूरे अनुपात यहाँ पर लेना चाहते हैं तो इसके हम 5 बराबर भाग करें, फिर उसमें से 3 भाग ले लें। तो जो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर हमको मिलता है जो P होगा, तो BP अगर 3 हिस्से को प्रदर्शित करता है और BC 5 हिस्से को प्रदर्शित करता है तो BP BC का 3/5 होगा। तो ऐसा करने के लिए हम एक न्यून कोण यहाँ पर बनाएं। चलिए एक न्यून कोण बनाते हुए एक लंबी सी लाइन हम खींचते हैं यहाँ पर। ये बी से हमने शुरू किया और एक किरण की हम रचना करते हैं। मान लीजिए इसको हम नाम देते हैं किरण BX। ये कोई सा भी हमने एक कोण बना लिया, बस ये ध्यान रखना है कि न्यून कोण बने ताकि रचना करने पर हमको आसानी हो। अब हम चूंकि इसके 5 बराबर भाग करना चाहते हैं, लेकिन वो 5 बराबर भाग क्या होंगे यहाँ हमको पता नहीं है, लेकिन हम चाहें तो यहाँ पर 5 बराबर रेखाखंड ले सकते हैं किसी एक चाप के माध्यम से। तो हमने एक चाप अपनी मर्जी से चुना और ऐसे 5 बराबर हिस्से हम इस लाइन पर काटते चले जाते हैं। एक हमने काटा, देखिए ये अब हम दूसरा काट रहे हैं, इसी के बराबर एक चाप और हम तीसरा लिए, ये 3 टुकड़ा हुआ, तीसरा हिस्सा हुआ, और ठीक इसी के बराबर एक और हिस्सा हमने लिया, 4 हो गए, और एक हमने और ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने 5 हिस्से लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब एक ही चाप से लिए गए हैं, इसलिए सभी के सभी आपस में बराबर हैं। अब यदि हम इस 5वें हिस्से को C से मिला दें तो हमको
ये 5 अनुपात में बटा और ये भी फिर 5 अनुपात में बटेगा, उसके लिए इसकी मदद हमको लेनी पड़ेगी। लेकिन हमको हर एक टुकड़े के बराबर यहाँ पर पॉइंट नहीं लेना है, हमको तीसरे टुकड़े के बराबर लेना है। तो जब हमने इसको मिलाया, इस रेखाखंड को बनाया, तो इसका समानांतर यदि हम यहाँ से एक रेखाखंड खींचेंगे तो वो इस बी सी को उसी अनुपात में काटेगा जिस अनुपात में इस पूरे को वो काट रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा यदि 5 है और ये 3 है, तो इनका जो अनुपात है 3 और 5 का अनुपात है। तो यहाँ से खींचने पर जो हमें यहाँ बिंदु मिलेगा वो उस पूरे बी सी को 3 और 5 के अनुपात में बांटेगा। यानी यहाँ जो बिंदु हमें मिलेगा उसके बी से जो दूरी है वो बी सी का तीसरा हिस्सा होगी, अगर बी सी 5 हिस्से हैं तो चलिए करके देखते हैं। तो ये हमने चूँकि 5 बराबर हिस्से लिए, इस 5वें वाले बिंदु को हम सी से मिला दें। देखिए बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, केवल मेजरमेंट या मापन में थोड़ा सा हम ध्यान रखें कि त्रुटि ना हो, तो बहुत मज़े से रचना होती है। ये देखिए हमने इस बिंदु को मिला दिया और इसको हम मान लीजिए ये चूँकि बी है तो इसको हम सभी को नाम दे दें। ये इसको नाम आप दे दीजिए B1, इसका नाम दे दीजिए B2, ये हुआ B3, ये B4 और ये B5 हुआ। ये हमने इन सब के नाम दे दिए इन सभी बिंदुओं के, और B5 को C से मिला दिया। तो चूंकि ये 5 बराबर हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 बराबर हिस्से हैं, और आप देख रहे हैं कि BB3 जो है वो 3 हिस्सों को प्रदर्शित कर रहा है, BB5 5 हिस्सों को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो B3 है वो BB5 को 3 और 5 के अनुपात में बांटता है। देख लीजिए आप, 1 2 3 हिस्से यहाँ पर हैं और यहाँ से यहाँ तक पूरे 5 हिस्से हैं। तो B3 ऐसी जगह पर है जो पूरे BB5 को, माने B से लेकर B5 को, पूरे रेखाखंड को 3 और 5 के अनुपात में बांटता है। तो अब यदि हम B3 से एक समानांतर रेखा B5C के समानांतर एक रेखा यहाँ से हम खींच दें, तो ये जो रेखा होगी या रेखाखंड होगा वो भी BC को 3 और 5 के अनुपात में बांटेगा। तो चलिए समानांतर रेखा खींचने के लिए हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं। यहाँ पर एक चाप लेंगे और ठीक इसी के बराबर चाप हम यहाँ पर भी काटेंगे, और जो चाप की लंबाई होगी कुल उतनी लंबाई यहाँ पर भी लेंगे, तो ये 2 कोण बराबर बन जाएंगे। और चूँकि आप जानते हैं कि यदि कोण बराबर है और वो संगति कोण जैसी स्थिति में है तो जो रेखा बनती है वो इसके समानांतर होती है। तो चलिए हम प्रकार का फिर से उपयोग करें और यहाँ पर एक चाप की रचना करें। कोई सा भी आप माप के चाप लीजिए, ये मान लीजिए हमने एक चाप काटा, अब बिल्कुल इसी नाप का चाप अब B3 से भी काटिए। ये हमने प्रकार की नोक B3 पर रखा और बिल्कुल उसी नाप का एक चाप हमने यहाँ पर काट लिया। अब इस चाप की जो लंबाई है उसको भी आप देखिए यहाँ पर से कैसे कवर कर सकते हैं। ये आप इसके बराबर लीजिए, ये देखिए ये हमने लिया, माने इस पूरे चाप के फैलाव को प्रदर्शित कर रहा है ये, वैसा ही फैलाव आप यहाँ पर लीजिए और एक छोटा सा चाप इस चाप के ऊपर और काट दीजिए। माने अब देख रहे हैं कि ये जो लंबाई आपको मिल रही है वो ठीक इसके बराबर है, यानी ये यहाँ से B3 से जो रेखा इसको काटते हुए जाएगी वो इसके समानांतर हो जाएगी। तो चलिए ये वाला काम भी कर लें हम, ये जो नया कटन बिंदु मिला है उसको हम B3 से मिलाएं और इसको बढ़ाते हुए हम एक रेखाखंड खींच देते हैं। इसको हम कटी हुई लाइन से प्रदर्शित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए ये जो रेखाखंड मिल रहा है इस लाइन पर वो इस जगह पर मिल रहा है, इसको भी आप कोई नाम दे दें, मान लीजिए इसको हम नाम देते हैं P। तो ये जो BP है वो BC का 3/5 होगा, यानी यदि BC को हम 5 बराबर हिस्सों में तोड़ें तो BP उनमें से 3 हिस्सों को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमने पा लिया जो अभी तक हमने सीखा था, समानांतर रेखा खींचना और किसी रेखाखंड को बराबर हिस्सों में बांटना उन सारे गुणों के आधार पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नया त्रिभुज इसके अंदर बनने वाला है, जिसकी भुजाओं का अनुपात इस पुराने त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के 3/5 में है, तो उसका एक बिंदु हमको यहाँ पर P मिला, यानी उस त्रिभुज की एक भुजा BP के बराबर होगी। BP BC का 3/5 है। अब ठीक इसी तरह से हमको यहाँ पर भी एक बिंदु ऐसा चाहिए जो इसका 3/5 हो, तो दोबारा हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करें कि यहाँ से एक इसके समानांतर एक रेखा खींचे। तो आपको मालूम है थेल्स प्रमेय के आधार पर कि यदि हम त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींचते हैं तो वो त्रिभुज की दूसरी भुजा को
एक समान अनुपात में काटता है, माने हम यदि ए सी के समानांतर एक रेखाखंड यहाँ से खींच पाएँ तो वो इस पूरे ए बी को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में पी बी सी को काट रहा है। तो अब यहाँ से हम समानांतर रेखा खींचना चाहते हैं तो फिर से इस गुण का उपयोग करेंगे, हम इस कोण के बराबर एक कोण की रचना यहाँ पर करेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर भी करिए, सी पर जो कोण बन रहा है यानी कोण ए सी बी, ए सी बी के बराबर एक कोण की रचना हम यदि पी पर कर लें तो हमको इसके समानांतर रेखा मिल जाएगी ए सी के। तो एक चाप हमने ये लिया और ठीक उसके बराबर त्रिज्या के चाप हम यहाँ पर भी काटें, ये देखिए काट दिया। अब इस चाप की जो लंबाई है उसको भी हम प्रकार से लें, ये हमने इसको थोड़ा छोटा किया और ठीक इस कटन बिंदु पर लेके आते हैं, ये देखिए ये हमने कटन बिंदु पर लिया और ये जो लंबाई है उसको हम यहाँ पर प्रदर्शित कर दें। ये देखिए एक छोटा सा चाप हमने काटा, अब ये जो बिंदु हमें मिल रहा है यदि इसको हम मिला दें तो ठीक इसके बराबर कोण बनेगा। चलिए इस कोण को हम बना दें, यहाँ से पीछे शुरू करेंगे हम और इस कटन बिंदु से होते हुए जाएंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको भी हम इस कटी हुई लाइन से आगे बढ़ा दें। ये देखिए अब ये जो रेखा आपकी बनने जा रही है, रेखाखंड जो बन रहा है वो त्रिभुज की भुजा ए सी के समानांतर होगा, इसको आप एक किरण के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर भी आपको एक बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को आप एक नया नाम दे दीजिए, मान लीजिए बिंदु ये क्यू है। अब आप देखिए कि आपने पी एक ऐसा बिंदु लिया था जो बी सी को 3 और 5 के अनुपात में बांटता है, आपने पी से आधार सी ए के समानांतर एक रेखा पी क्यू खींची जो बी ए को बिंदु क्यू पर काटती है। तो थेल्स थ्योरम के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो अनुपात इसका और इसका है वही अनुपात इसका और इसका होगा। इन दोनों का अनुपात क्या है, 3 और 5 का अनुपात है, ये आपको यहाँ से मिला था कि ये 3 और 5 का अनुपात है और ये दोनों समानांतर हैं इसलिए ये भी 3 और 5 का अनुपात होंगे। अब चूंकि ये दोनों समानांतर हैं इसलिए इनका और इनका अनुपात भी 3 और 5 का होगा। तो देखिए फिर ये 3 और 5 का अनुपात हुआ, ये 3 और 5 का अनुपात हुआ, माने एक त्रिभुज जो बन रहा है त्रिभुज बी पी क्यू, ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज है जो ए बी सी की भुजाओं के 3/5 भुजा को प्रदर्शित करता है। तो चलिए ये रचना तो हो गई, हम जो त्रिभुज चाह रहे थे वो त्रिभुज है बी पी क्यू, तो हम इस बात को लिख लें त्रिभुज बी पी क्यू जो नया बना है वो त्रिभुज बी सी ए या ए बी सी कह दें आप। अब चूंकि आपने बी को पहले कहा है तो यहाँ पर भी बी आपको पहले लिखना पड़ेगा, तो बी सी ए लिखना पड़ेगा आपको, त्रिभुज बी सी ए, ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप कैसे होंगे ये भी हम आपके सामने रख देते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो को हमने कोण बनाया वो इस कोण के बराबर है, ये जो कोण है दोनों त्रिभुजों में, छोटे त्रिभुज में भी और बड़े त्रिभुज में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और चूंकि ये दोनों रेखाएँ समानांतर हैं इसलिए ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। तो इस बड़े त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोण क्रमशः छोटे त्रिभुज क्यू बी पी के तीनों कोणों के क्रमशः बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज ए बी सी या क्यू बी और क्यू बी पी ये दोनों समरूप हैं, इस बात को आप इसलिए यहाँ लिख सकते हैं। और चूंकि समरूप हैं इसलिए आप कह सकते हैं कि इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो सभी जगह पर बराबर होगा। तो आप लिखें जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है बी पी बटे बी सी, बी पी बटे बी सी बराबर इसको लें पी क्यू बटे सी ए। पहले हम छोटी वाले त्रिभुज की भुजाओं को लिख रहे हैं पी क्यू, फिर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लिख रहे हैं बटे सी ए बराबर आप इसको लिखें क्यू बी बटे ए बी, क्यू बी बटे ए बी। अब आप देखिए बी पी बटे बी सी को गौर करिए आप, बी पी बटे बी सी कितना था, बी बी थ्री बटे बी बी फाइव यानी 3/5 के बराबर था। तो यदि ये 3/5 के बराबर है और ये सभी आपस में बराबर हैं तो सभी के सभी 3/5 के बराबर होंगे। तो उस आधार पर आप यदि एक प्रत्येक भुजा को लिखें तो आप लिख सकते हैं कि बी पी बराबर 3/5 बी सी और ऐसे ही पी क्यू बराबर
तीन बटे पाँच, इन दोनों के आधार पर आप लिख सकते हैं, तीन बटे पाँच सी ए और क्यू बी बराबर तीन बटे पाँच ए बी। आप एक बार मिला लीजिए, इन दोनों के यदि आप तुलना करते हैं तो बी पी बराबर तीन बटे पाँच बी सी लिख सकते हैं, इन दोनों के आधार पर लिख सकते हैं पी क्यू बराबर तीन बटे पाँच सी ए, ये आपने लिखा, और इन दोनों के आधार पर लिख सकते हैं क्यू बी बराबर तीन बटे पाँच ए बी। तो आप देख रहे हैं कि इस छोटे वाले त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे वाले त्रिभुज की, जो हमने पहले बनाया था, जो बड़ा त्रिभुज ए बी सी था, उसके प्रत्येक भुजा के तीन बटे पाँच के बराबर है। तो आपने एक ऐसे त्रिभुज क्यू बी पी की रचना कर ली जो त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक ए बी सी के प्रत्येक भुजा का तीन बटे पाँच है। तो ये अभीष्ट त्रिभुज की रचना हुई और ये आप कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, आपने सिर्फ दो बार इस तरह के बराबर कोण बनाने का काम किया और चीज़ें इस तरह से निर्मित हो गई।